हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम टू द एडियस न्यूज एनालिसिस टुडे इज सेकेंड दिसंबर 2022 एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस तो देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज रिलेटेड टू जीएसटी नवंबर जीएसटी रेवेन्यूज राइस इलेवन फ्रॉम ईयर अर्लियर बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक छोटी सी न्यूज आप सभी लोगों के लिए अगर आप लोगों को इस, इसका पी डी एफ चाहिए लेक्चर का तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं फोर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वहां पर लिंक दिया गया है तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि वहां से आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या किसी और वजह से भी कोई भी प्रॉब्लम टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली हमारे चैनल का नाम टेलीग्राम में सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और अगर आप सोशल मीडिया के अंदर एक्टिव हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम के अंदर फॉलो कर सकते हैं एट द रेट एडिवर्स अंडर स्कूर न्यूज अंडर स्कूल एनालिसिस करके हमारा चैनल का नाम है यहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे हम वेरियस इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स न्यूज शेयर करते रहते हैं जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी आ, इंस्टाग्राम पेज में फॉलो कर सकते हैं अंडर स्कोर प्रकाश द्विवेदी अंडर स्कोर आप मुझसे कोई भी एग्जाम रिलेटेड सब्जेक्ट और पर्सनल क्वेरीज भी पूछ सकते हैं किसी भी प्रकार की क्वेरीज क्वेरीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चलिए विदाउट एनी डिले आज के लेक्चर को हम डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट का रहने वाला है पी वाई क्यू भी हमने इंक्लूड किया है साथ ही स्टैटिक पोर्शन से किस तरीके से लिंकेज करना चाहिए वो भी चीज़ें हमने देखी हैं और साथ ही आज के आर्टिकल्स काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं नवंबर जीएसटी रेवेन्यू राइज 11 परसेंट फ्रॉम द ईयर अर्लियर पिछले साल 2021 के अंदर जो नवंबर के अंदर रेवेन्यू आया था जीएसटी का उससे इस साल जो जीएसटी का कलेक्शन हुआ है वो 11 परसेंट ज्यादा है ये आपको पता होना चाहिए मतलब एक जस्ट डेटा है आपको बस इतना डेटा रटना नहीं है बस ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि किस तरीके से जीएसटी जो रेवेन्यू है वो कब इंक्रीज हो रहा है कब डिक्रीज हो रहा है तो ये चीज आप याद रख सकते हैं क्लियर इसके ऊपर आने वाले दिनों में हम एडिटोरियल सेक्शन के अंदर आर्टिकल्स देखेंगे तो वहां पे भी हम इंपॉर्टेंट तरीके से डिस्कस करेंगे देखिए एक छोटी सी न्यूज है स्टेट न्यूज है बट इंपॉर्टेंट हो जाती है अगर आप देखेंगे कमिटी टू इंप्लीमेंट यू यूनिफॉर्म सिविल कोड इन एम पी पे शिवराज सिंह चौहान जी जो है माननीय मुख्यमंत्री इन्हें हम मामा के नाम से भी जानते हैं इन्हें मामा मामा करके पुकारा जाता है तो ज्वाइनिंग द रैंक ऑफ बीजेपी काउंटर पार्ट ऑफ अदर स्टेट मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ऑन थर्सडे से पैनल वुड बी फॉर्म टू तो इंप्लीमेंट यू यूनिफॉर्म सिविल कोड इन द स्टेट तो स्टेट के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करने के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है स्टेट पीसीएस की एग्जामिनेशन के हिसाब से भी और नॉर्मल यूपीएससी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है देखिए कल जैसे कि हमने बात किया था कि सिक्सटी जो है वोटर टर्न आउट हुए हैं पहले फेज के अंदर जो इलेक्शन uh, हुआ उसमें सिक्सटी वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया सिक्सटी वोटर्स ने पार्टिसिपेट किया क्लियर ये आपको पता होना चाहिए पाकिस्तानी टेरर ग्रुप नाउ शिफ्टिंग बीस टू अफगानिस्तान ऐसा कौन कह रहा है ऐसा कह रहे हैं फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ जो है रहमतुल्ला नाबिल जी जो है यहाँ पे फॉर्मर सिक्योरिटी चीफ रह चुके हैं और ये ऐसा कह रहे हैं कि जो टेरर ग्रुप है वो अब पाकिस्तान से शिफ्ट होकर कहा जा रहा है अफगानिस्तान की ओर मूव कर रहा है तो सन कहना है छोटी सी इंफॉर्मेशन है आप इसको चाहें तो हल्का से रीड कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो जीएसटी के ऊपर जो है और फिजिकल डिफिशियट क्या होता है ये सारी चीजें क्या होती है उसको हम चीजों को डिस्कस करेंगे डिटेल में और लेकिन उसके पहले कुछ क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी इकोनॉमिक्स का ट्रेंड आप देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर फिल्म के अंदर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं 2013 में कितने क्वेश्चंस आए थे कितने नंबर के क्वेश्चन आए थे 2014 में थोड़ा सा कम हुआ फिर 15 में बढ़ा और फिर 16 में सबसे हाईएस्ट 20 अब देखिए ना बीस क्वेश्चन आ चुके हैं फिर उसके बाद से फिर डाउन गया फिर इंक्रीज हुआ फिर फिर तो अभी देखिए ना इंक्रीजिंग ट्रेंड में है दो हजार में क्वेश्चन पूछे गए दो की मैं बात करता हूं टोटल क्वेश्चन में से 15.3 परसेंट जो क्वेश्चन थे वो इकोनॉमी से थे है ना तो सोचिए आप कि कितना बड़ा पोर्शन जो है इकोनॉमी से आ रहा है जो 15 से 15 क्वेश्चन ये बहुत ही ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से डील करें देखिए क्वेश्चन आपके सामने है अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए इसके बाद हम इस चीज को डिस्कस करेंगे आई होप आप लोगों ने अभी तक इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा है ना अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं विद रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है यह आपको बताना है इन्फ्लेशन रिलेटेड ये क्वेश्चन है पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना देखिए पहला पॉइंट तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सपोज ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है है ना आपको बिल्कुल एबीसीडीज की की नहीं आप नहीं, यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड लिखा है है सिर्फ क्या है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई दूसरी बॉडी नहीं है जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई हो या कुछ और ऐसा हो सकता है मे बी पॉसिबल हो सकता है कि हो इतने बड़े कंट्री में सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना तो ये थोड़ा सा डाउट रख रहा है तो हम इसको डाउट की कैटेगरी में रख देते हैं है ना द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन आरबीआई जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है सोचिए ना आप खुद सोचिए मनी सप्लाई सारी कंट्रोल करता है ऐसा तो हो नहीं सकता है ना नो no रोल एक्सट्रीम एक, एक स्टेटमेंट है तो ये भी गलत हो सकता है गलत हो जाए है ना? अब अपने पास क्या बचा दो स्टेटमेंट बचा अब एक में लिखा है डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग और दूसरे में लिखा है इंक्रीज मनी सर्कुलेशन इन हेल्पिंग कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन अब दोनों स्टेटमेंट आप देखिए अपोजिट है अब इनमें से चारों में से कोई एज एक स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए और आप देख रहे हैं यहां पे डिक्रीज है और यहां पे इंक्रीज है मतलब इन दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट स्टेटमेंट तो करेक्ट होगा ये आपको तो पता चल गया क्लियर मतलब ऊपर की तो स्टेटमेंट अपने आप गलत हो गए है ना लॉजिकली अगर आप जाते हैं तो आपको नहीं मालूम है स्टेटमेंट बिल्कुल याद नहीं फिर भी आपको पता चल के एक में डिक्रीज है एक में इंक्रीज है मतलब इन दोनों में से कोई सा कोई ना कोई चीज तो होगी ही करेक्ट या तो इंक्रीज से कुछ फर्क पड़ता होगा या डिक्रीज से कुछ फर्क पड़ता होगा तो आप बताइए इन्फ्लेशन क्या है सबसे पहले आप ये सोचिए रिवर्स प्रोसेस रिवर्स इंजीनियरिंग करना है जब आपको क्वेश्चन ना आए तो आप सोचिए इन्फ्लेशन क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करता हूं व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन एक तरीके से आप कहेंगे सर इन्फ्लेशन का मतलब एक कह लीजिए या महंगाई अब महंगाई कब आती है महंगाई कब होती है जब आपके पास पैसा ज्यादा होता है तब महंगाई होती है सर बोलेंगे कैसी बातें कर रहे हैं सर मैं पैसा ज्यादा होगा तो उससे महंगाई का क्या लेना देना है लेना देना है आप समझिए सपोज दस लोग हैं है ना एक ग्रुप के अंदर दस लोग हैं और दसों के पास क्या है पैसा है अच्छा खासा पैसा कमाने वाले हैं और कमोडिटी आपके सामने कोई सामान रखा हुआ है है ना ये आपको कुछ खरीदना है सपोर्ट आपको एक मोबाइल लेना है जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, है ना आप लोगों ने देखा होगा ना कि आ, आ... नीलामी होती घरों की नीम नीलामी देखे हुए देखा देखा होगा है ना मूवीज़ में पहले दिखाया जाता है कि नीलामी चल रही इस तरीके से अब नीलामी क्या होता है बहुत सारे लोग अमीर लोग बैठे रहते हैं और जिस उस पर्टिकुलर घर की कीमत अगर कितनी होती है सपोज पचास लाख रुपए की कीमत होती है लेकिन लोग बोली लगा लगा के पचास लाख से पचास करोड़ भी पहुंचा देते हैं तो, 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 तो क्या हो गया महंगाई कर दी इन्होंने वैल्यू चीज़ों की बढ़ा दी जबकि उसकी उतनी वैल्यू थी नहीं पचास करोड़ तक ले गए है ना तो क्या होता है कि जब अगर इंसान के पास पैसा जाता है पैसा सर्कुलेशन में जाता है तो महंगाई क्या होगी हमेशा बढ़ेगी और अगर आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो लोगों के पास से पैसा वापस लेना पड़ेगा अब वो किस तरीके से लेते हैं वो आपकी अटैक है, है ना वो हमें नहीं सोचते हैं बस पैसा कम होना चाहिए लोगों के पास तो महंगाई कंट्रोल में रहेगी महंगाई कब कंट्रोल में नहीं रहेगी जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा आपके पास ज्यादा पैसा होगा क्या करेंगे आप खर्चा करेंगे ज्यादा से ज्यादा सपोज जो चीज सौ रुपए की मिल रही है आप उसे दो सौ में खरीदने की कोशिश करेंगे डेढ़ सौ में कम मिल रही है या कम है ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचेंगे खरीदने तो डिक्रीज इन मनी सर्कुलेशन हेल्प इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन ये हमारा ऑप्शन जो हो जाता है करेक्ट हो जाता है क्लियर तो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ये आपको पता होना चाहिए ऑप्शन गलत है ये ऑप्शन गलत है इन डिक्रीज अगर आप मनी सप्लाई को डिक्रीज करते हैं तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा क्लियर यहां पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है आप चाहे तो इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं वैसे मैंने आपको पूर्णतः समझाने की कोशिश की है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं हम एक क्वेश्चन बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यूपीएससी पीवाईक्यू है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इस तरीके से जब डील करेंगे तभी आपको क्वेश्चन आएंगे विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर दॉलोइंग स्टेटमेंट इंडियन इकोनॉमी के रेफरेंस में आपको ये स्टेटमेंट बताना है आपके सामने स्टेटमेंट है इफ द इंफ्लेशन इज टू हाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लाइकली टू बाई गाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी अब देखिए इंफ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो समझिए आपको आप इन्फ्लेशन टू हाई है इन्फ्लेशन हाई मतलब क्या क्या मतलब निकालेंगे अब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है और सामान कम है तो लोग बहुत ज्यादा पैसा दे दे के उस सामान को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो महंगाई अपने आप बढ़ रही है किसी घर की कीमत कम है लेकिन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है तो लोग क्या कर रहे हैं लोग ज्यादा पैसा दे के उसकी नीलामी करवा रहे हैं उसको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं लोगों के पास ज्यादा है पैसा इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई मतलब पैसा ज्यादा है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी लाइकली टू बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब अगर कोई चीज आप खरीदोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा पैसा देना पड़ेगा है ना अब अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसके पास है सपोज खरीदेगी किससे लोगों से खरीदेगी और अगर लोगों के पास पैसा है और लोगों से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी तो लोगों को फिर वो आरबीआई क्या करेगी पैसा देगी है ना लोगों को पैसा देगी तो लोगों के पास तो पैसा और फिर और ज्यादा बढ़ जाएगा तो ये उल्टी बात कह दीजिए ये गलत है लोगों से वो पैसा मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी नहीं बल्कि बेचेगी लोगों को बोलेगी देखिए आप लोगों के पास एक ऑप्शन है मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच रही हूँ आपके पास जितना पैसा है ना आप इसमें लगा दीजिए है ना आप फालतू तो इन्फ्लेशन मत बढ़ाइए आप फालतू तो घर या ये सारी चीजें खरीद खरीद के आप महंगाई मत बढ़ाइए है ना दो की चीज चार में मत खरीदिए आपके पास पैसा हो गया है तो आप हमको पैसा दीजिए सिक्योरिटी में लगाइए तो वो क्या होगा लोगों पास पैसा कम होगा जब पैसा कम होगा तो खर्चा कम होगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगा तो पहला स्टेट में सीधे सीधे गलत हो गया अगर पहला गलत होता है तो आप देख पाएंगे कि आप सीधे इलिमिनेशन मेथड से इसको इलिमिनेट करके अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच जाएंगे ऑप्शन टू एंड थ्री इज अ करेक्ट आंसर

तो टर्टल के बारे में बात की जा रही है पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन है रेड क्राउन रूफ टल्टर क्या होते हैं ये रेड क्राउन रूफ टल्टर है आपको पता होना चाहिए अभी क्या हो रहा है इनके इलीगल हंटिंग और इलीगल तरीके से पोचिंग स्मगलिंग ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है कुछ डेटा दिया गया है जैसे 270 सौ जो है टर्टल का कैलिप कैलिपी जो है वो स्मगल कर रहे थे तो पाया गया अब देखिए कैल्पी क्या होता है कैल्पी में बता देता हूँ जिलेटिनस लेयर फाउंड इन द लोअर शेल ऑफ द टर्टल बिलीव टू बी यूज इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में इसका यूज किया जाता है है ना जो इनका ये इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे ना ये इसके नीचे लोवर शेल में ये, ये येलो कलर का येलो कलर का होता है ये पाया जाता है, है ना तो इसकी बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है अब अलग अलग तरीके से यहाँ पे चल रही बात चल रही, रही। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बनाया बहुत सारे बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट रखा है ना फिर इसके अंदर बात की गई साइड के अंदर इनको हम प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं अपेंडिक्स फर्स्ट फर्स के अंदर इनको रखा गया है कुछ टल को जैसे कि रेड क्राउंड रूफ को है ना देखिए बटागुर के नाम से जाना जाता है आपको पता होना चाहिए रेड क्राउंड रूफ ट फिर लेथिस ऑफ सेल टर्टल ये आपको पता होना चाहिए है है ना अपेंडिक्स फक्स के अंदर इसको रखा गया है। फिर मैं बात करता हूँ जैसे कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एनजीओ सामने निकल के आए जिन्होंने इसके ऊपर वर्क किया जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ट्रैफिक एक एनजीओ है बहुत बड़ा एनजीओ है आ, वर्किंग ऑन द इशू ऑफ ट्रेड ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल और प्लांट से रिलेटेड ये वर्क करता है ये आपको पता होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूपीएससी कई बार क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम कर चुका है क्लियर ये आपको पता होना चाहिए हम बात करते हैं इंडिया के अंदर तो इंडिया के अंदर टोटल 29 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर है जिसमें से 24 स्पीशीज किसके हैं वो टर्टल हैं और चार पांच स्पीसीस टोयटॉयज हैं देखिए क्वेश्चन आता है कि व्हाट देयर इज व्हाट इज व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टोर्टोज जो टर्टल होते हैं वो कहाँ होते हैं जनरली वाटर में ज़्यादातर पाए जाते हैं टोर्टोज भी वाटर में चले जाते हैं ऐसा नहीं है लेकिन टोटॉइज जो है ज़्यादातर लैंड में रहते हैं जमीन में रहते हैं और टर्टल मैक्सिमम टाइम में कहाँ रहते हैं मैक्सिमम टाइम टर्टल कहाँ रहते हैं वाटर के अंदर रहते हैं उनका वही घर होता है तो ये आपको पता होना चाहिए जिसमें से इलेवन आर प्रोटेक्टेड फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत उन्हें शेड्यूल फर्स्ट का प्रोटेक्शन दी गई है जिस तरीके से uh, सेम प्रोटेक्शन दी है वैसे ही सेम को प्रोटेक्शन है तो ये चीजें आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए फिर यहाँ पे बात किया जा रहा है कि हर साल कितने कि, कितना असाइनमेंट स्मगल होता है और जितना हमें देखने को मिलता है वो तो एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है एक्चुअल में बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है तो ऐसा हम क्या करें क्या सॉल्यूशन लेके करें वो एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन आगे कि हम क्या करें उसके लिए देख आप देख पा रहे हो कुछ आ, जैसे ऑपरेशन सेवा कुरमा निकाला गया वेंट पोचिंग ट्रांसपोर्ट लीगल ट्रेड को लाइव टर्टर टोटो इसको इस ऑपरेशन को किया गया कि स्मगलिंग वगैरह ना हो पाए है ना ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है टाइटर से रिलेटेड अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पे लेके आया हूँ जो जिसे आपको याद रखना है

टेरिस्ट्रियल uh, well, तो ये टेरिस्ट्रियल मतलब जमीन में रहते हैं जैसा कि अभी हम ये सारी चीजें बात कर चुके हैं है ना टोटर्स इज डिस्टिंग लैंड ड्वेलिंग हो गया ये तो हम रेडिस दी गई अब ये कोल्ड ब्लडेड स्पीसीज होता है है ना ये आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है जैसे कि इंसेक्ट वगैरह हो गया अ वेरी स्लो मेटाबोलिज्म इसके अंदर देखने को मिलता है जैसे स्लो चलता है ना वैसे इसका मेटाबोलिज्म भी बहुत ही ज्यादा स्लो होता है कुछ सिग्निफिकेंट बात कर लेते हैं टर्टर प्लेन इंपॉर्टेंट रोल इन द रिवर स्केवेंजिंग एंड और डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिसीज फ्रॉम द फिश कंट्रोलिंग द वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे साबित करता है टर्टल

टर्टल हमारे इन्वायरमेंट को हमको प्रोटेक्शन देने के लिए टर्टल ऑल्सो ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिशन एंड एनर्जी टू द कोस्टल एरिया में ये क्या करता है न्यूट्रिशन और एनर्जी को ट्रांसफर करता है कोस्टल एरिया के अंदर तो ये आपको पता होना चाहिए कुछ एग्जाम्पल इंडियन टर्टल के आप याद रख लीजिए टर्टल के जैसे कि इंडियन टेन टर्टल ब्लैक टर्टल हो गया लेथ सॉफ्ट सेल टर्टल हो गया ब्लैक सॉफ्ट सेल टर्टल हो गया है ना तो कुछ इम्पोर्टेंट है आपको जाके इसको रीड कर लेना है है ना रेड ईयर टोटल हो गया कुछ कंजर्वेशन प्रोग्राम उठाए गए जैसे फाइव स्पीसी ऑफ इंडियन वाटर गया ग्रीन टर्टल लॉगर हेड टर्टल और हॉक्स बिल लेदर बैग टर्टल ये पांच स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि ये लिस्टेड की गए देखिए तीन इनमें से ऑलि लेदर बैग और लॉगर हेड को नंबर कैटेगरी के अंदर रखा गया है और हॉक्स बिल टर्टल और को क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में और ग्रीन टर्टल को इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है ग्रीन मतलब ऐसे जी हरा है है ना तो हरा है तो इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको डाल देते हैं हॉक्स बेल्ट मतलब लीजिए हॉक आके रहा हॉक कम होते हैं ना तो ऐसे ज्यादा रखिए हॉक्स जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है ऑलि ऑलिव है मतलब ऑलिव ऑयल समझ लीजिए ज़्यादा मिलता है वलरेबल है ठीक है ना लेदर बेग टर्टल हो गया लेदर मिल जाता है लॉगर हटल था ये भी मिल जाता है तो ये वर्ल कैटेगरी के अंदर आते हैं इन्हें देयर प्रोटेक्टेड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन के तहत शेड्यूल फर्स्ट के अंदर इसको प्रोटेक्शन दी गई है ये आपको पता होना चाहिए

इन दिस एरिया नेस्ट एरियालाइट मेथड की मदद मतलब से हम इन्हें एग्जामिनेशन करते हैं जब ये सी मास वो करते हैं है ना तो ये आपको पता होना चाहिए चलिए हो सकता है एक छोटी सी न्यूज और देख पा रहे होंगे आप आपके सामने स्क्रीन के सामने होगी तमिलनाडु गवर्नमेंट लाइकली टू गिव एसेंट टू बिल ऑन ऑनलाइन गैमलिंग आफ्टर द गेटिंग डाउट क्लियर जैसे डाउट इनका क्लियर होता है तो हो सकता है कि ऑनलाइन जो गेमिंग है उसके ऊपर कुछ रूल्स कुछ रेगुलेशन कुछ बिल कुछ सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आई जाएगी जो कि आने वाले समय में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है क्लियर चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की और हम बढ़ते हैं लेइंग द ग्राउंड टू डी सुप्रीम कोर्ट मैं बात करता हूं लेइंग द ग्राउंड तो डीलेजिटमराइज द सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को डी करने की बात कर रहे हैं इस आर्टिकल के अंदर देखिए कुछ खास ऐसा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं मैं सीधी सिंपली सी चीज़ बताऊं है ना बस uh, छोटे से डिस्कशन है ना डॉक्टर डिग्री ये कहते हैं तो इन्होंने कुछ खास ऐसा लिखा नहीं बट हाँ कुछ चीज इंपॉर्टेंट जैसे कि uh, यहाँ पे बताया गया है कि जिस किस तरीके से लिटिल रिगार्ड टू क्रिटिसम द फॉर्मर सी जो यू यू, यू ललित जो थी थे उन्होंने बोला कि कोलिजम सिस्टम जो होता है वो परफेक्ट होता है परफेक्ट सिस्टम टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए ये जो है बहुत ज्यादा परफेक्ट सिस्टम है है ना अब दोनों साइड ब्लेम रख लगता रहता है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नहीं बना रहे हैं क्यों ये सारी चीजें नहीं कर रहे हैं है ना तो ये सारी चीजें अभी डिस्कशन में चल रही है तो उसी के ऊपर क्वेश्चन है फिर यहाँ पे कुछ अंडरमाइनिंग माइनिंग के ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिए गए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब देख पा इन हंगरी एंड आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे कहीं पे भी ये चीज नहीं है अब देखिए ये जो आर्टिकल है और मैं कहत, आपको बता देता हूँ ये जो आर्टिकल है, है ना इलेक्शन कमीशन से आर्टिकल है और ये सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिलेटेड ये आर्टिकल है, है ना? तो वो दोनों लगभग लगभग सेम चीज़ें बोल रहे हैं है ना पर ये जुडिशरी के बोल रहा है वो इलेक्शन कमीशन के लिए बोल रहा है यहाँ बोल रहे हैं इलेक्शन जुडिशियरी के एन जी होनी चाहिए वहाँ इलेक्शन कमीशन के लिए आ, कोलिजियम सिस्टम होना चाहिए अलग से ऐसा अपॉइंटमेंट के लिए गवर्नमेंट किसी को भी कुछ भी अपॉइंट ना कर दे तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर चल रही हैं बस आप चाहें तो जो हाईलाइटेड पोर्सन है उसको रीड कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो मैं आपको अलग से बताऊँ है ना जब भी होता है तो मैं आपको जरूर जरूर ये चीजें बताता ही हूं सेफर रोड फॉर द ग्रीनर एंड मोस्ट सस्टेनेबल इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल को मैं बोलूंगा कि आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों के लिए हो जाता है इसको जाके आपको रीड करना है जो आर्टिकल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं जरूर आपको डिस्कस करूंगा डिटेल्स में है ना एक एक वर्ड पढ़ के है ना और जो नहीं है तो उसमें हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें चलिए एक देखिए इन्होंने एक बहुत ही अलग प्रस्पेक्टिव दे दिया है किस चीज का एक्सीडेंट का है ना रोड एक्सीडेंट जो होता है उसका अलग प्रस्पेक्टिव दिया इन्होंने पॉल्यूशन का अगर आप देखेंगे जो एयर पॉल्यूशन होता है उसका बहुत ज्यादा अलग प्रस्पेक्टिव दे दिया है कि आप ऐसा जनरली अगर आप इस आर्टिकल को ना पढ़ेंगे तो आप ये चीज सोच ही नहीं पाएंगे है ना जिस तरीके से इन्होंने ये चीज़ लिखी है इन्होंने लिखा कि जैसे बहुत ज्यादा रोड एक्सीडेंट देखने को मिल रहा है है ना Uh, इन्होंने डेटा पुट किया कि इंडिया रिपोर्टेड फोर लैक थ्री थाउजेंड एंड हंड्रेड एंड को मिला है दो हजार इक्कीस के अंदर इस तरीके से डेटा को पुट किया फिर इन्होंने बोला कि मोस्ट व्हीकल्स कंटेन टॉक्सिक मेटल्स है ना जो बहुत सारे व्हीकल्स uh, होते हैं उनके अंदर टॉक्सिक मेटल बहुत ज्यादा होते हैं जैसे कि लेड मर्की कैडमियम हैग्जा वेलेंट क्रोमियम डिटर विच आर डिटर टू द अब अगर कोई भी गाड़ी है वो क्रैश होगी तो वो क्या होगा वो सारी चीजें जो है बाहर फैल जाएंगी इन्वायमेंट के अंदर ये जो टॉक्सिक मेटल्स हैं टॉक्सिक केमिकल हैं ये पूरी इन्वामेंट के अंदर फैल सकते हैं ऐसा इन्होंने बताया फ्यूल और फ्लूड लीक्स देखने को मिल सकता है क्रैश क्रैसाइड के अंदर है ना जिस जो अनयूजेबल एंड ऑफ लाइफ व्हीकल जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से स्क्रैप पॉलिसी जो है हमारी स्क्रैपिंग जो एक तरीके से स्क्रैप पा रहे होंगे स्क्रैप्ड जो है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए अबाउट ट्वेंटी टू पॉइंट याद रखना है है ना इंडियस ऑटोमोबाइल स्क्रैपिंग पॉलिसी लॉन्च की गई थी दो हजार इक्कीस में पर अभी तक उसके ऊपर कुछ भी ऐसा खास वर्क नहीं किया गया है क्लियर हो गया पॉइंट स्पीडिंग लिमिट की बात कर रहा है बहुत प्यारा पॉइंट है जिस पॉइंट की मैं इस पूरे आर्टिकल के अंदर बात कर रहा था वो ये पॉइंट है स्पीडिंग लिमिट अभी स्पीडिंग लिमिट के अंदर क्या है बिगेस्ट फैक्टर फॉर रोड क्राइसिस आप सबको पता होगा स्पीड के बढ़ जाने के वजह से एक्सीडेंट जो है तेजी से बढ़ जाते हैं इन्होंने डेटा पुट किया कि 2020 में अलॉन स्पीड की वजह से रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइनटी वन रोड क्रैशेस देखने को मिले हैं क्लियर जो कि कॉम्प्रोमाइज करते हैं 69.3% परसेंट ऑफ ऑल ऑल रोड क्रैश डेथ रजिस्टर्ड क्लियर हुआ आपको चलिए आगे बढ़ते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉरेंट ऑफ ऑल रोड फर्टिलिटीज इन इंडिया द लास्ट फाइव ईयर पिछले पांच साल के अंदर जो साठ परसेंट कह सकते हैं आप सिक्सटी परसेंट जो भी एक्सीडेंट हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं स्पीड के बढ़ाने की वजह से हो रहे हैं फिर इन्होंने जो बात कही है वो बहुत ही ज्यादा मजेदार बात कही इन्होंने बोला कि यूरोप हैव डिमोन्स्ट्रेटेड दैट कटिंग मोटर वे स्पीड लिमिट इवन टेन किलोमीटर पर आवर मतलब आप जो स्पीड लिमिट आपने करके रखा है उसमें से टेन किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट को अगर आप कम कर देते हैं तो क्या होगा उससे यह होगा कि अप्रॉक्सीमेटली 12 टू 18 परसेंट फ्यूल की सेविंग हो जाएगी तो आप लोग भी जब गाड़ी चला रहे हो मोटर व्हीकल या कोई भी गाड़ी चला रहे हो तो इस चीज को ध्यान रखिए एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ध्यान रखना कि आप अगर तेजी से चलाएंगे ऐसा अगर एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है? अगर आपकी स्पीड जाता है तो क्या होगा फ्यूल सामने से कौन सा ड्रैगिंग फोर्स लग रहा है एयर का जो आपको अपोज कर रहा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए पावर ट्रांसमिट करना पड़ेगा ज्यादा उसके लिए क्या लगेगा पेट्रोल ज्यादा लगेगा फ्यूल ज्यादा लगेगा क्लियर हुआ पॉइंट आपको तो अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को घटा दिया जाता है तो 12 टू 18 परसेंट आप फ्यूल बचा सकते हैं कट कर सकते हैं है ना और जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट इमिशन जो होते हैं उसमें कम कर सकते हैं जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड पार्टिकुलेट मैटर ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं है ना फ्रॉम डीजल वीकल स्टडी कंडक्ट की गई एमस्टर्ड एमस्टरडेम डैम के अंदर डेमोन्स्ट्रेट किया गया कि स्पीड लिमिट वॉट लोबर फ्रॉम 100 टू तो 80 किलोमीटर इन्होंने किलोमीटर स्पीड लिमिट घटा दी है ना एक तरीके से अपने रोड के अंदर रोड हाईवे के अंदर तो उसमें क्या हुआ पीएम पर्टिकुलर मीटर रिड्यूस टू तो 15 परसेंट तो सोचिए ना आप सिर्फ स्पीड लिमिट घटाने की वजह से आप 100 से 80 करने की आ, आ, कर दिया और उसकी वजह से क्या हो रहा है पंद्रह परसेंट तक क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर मैटर जो है कम हो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जब भी अगर आप आंसर लिख रहे हो ये सारी चीजें को पुट करेंगे तो बहुत अलग इंपैक्ट पड़ेगा कि यार कौन सा नया सा परसपेक्टिव इन्होंने डाला है है ना तो आप लिख सकते हैं फिर यहाँ पे बताया गया एक और स्टडी के अंदर 96.5 किलोमीटर पर आवर से हमने किया तो 22 टू पॉइंटी फाइव मोर इफिशियंट देन लिमिट 120 ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर तो ये ये लिख सकते हैं है ना अलग अलग जगह पे अलग अलग जो है चीज़ें स्टडी की गई और वहाँ से चीज़ पाया गया कि स्पीड को लिमिट करने से एक तो एक्सीडेंट की बहुत तेजी से गिरावट देखने को मिलती है दूसरी जो फ्यूल कंजप्शन है उसके गिरावट देखने को मिलती है तीसरा जो अगर फ्यूल कंजप्शन कम यूज़ होगा कंज्यूम कम होगा तो क्या होगा बताइए आप लोग पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलेगा है ना पोल्यूशन एयर पोल्यूशन भी ठीक हो जाएगा कम देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर मैं बात करता हूँ इन इंडिया जीरो फर्टिलिटी कॉरिडोर सोल्यूशन लेके आए हैं फॉर द रोड सेफ्टी बाय सेव लाइफ फाउंडेशन ये आपको याद रखना है ये इन एन का नाम है सेव लाइफ फाउंडेशन अब ये जो है अगर मैं बात करता हूँ इनकी तो पीयूष तिवारी जी कौन है पीयूष तिवारी जी फाउंडर एंड सीईओ हैं सेव लाइफ के ये याद रखना है आपको सेव लाइफ के फाउंडेशन है फाउंडर हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सी हैं है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमिटेड टू सेविंग द लाइफ ऑफ रोड इन इंडिया सिंस टू से इन्होंने चीज इसमें चल रहा है टेक द इन्वामेंट सस्टेनेबली सीरियसली तरीके से लिया और रिड्यूस करने की यहाँ पर बात करी इन्होंने कुछ अलग अलग इनिशिएटिव लिया इन्वायरमेंट फ्रेंडली जैसे कि द फाउंडेशन ऑफ जियो फर्टिलिटी कॉरिडोर प्रोग्राम ये पहला याद रख सकते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे है ना इन 2016 के अंदर हेल्प टू तो ब्रिंग डाउन द रोड क्रैसेज फर्टिलिटीज़ को गिराने की बात करी फिफ्टी एस ऑफ टू तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं आंसर राइटिंग के अंदर क्लियर हुआ पॉइंट अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेजर मिसिंग ऑफ लीडिंग टू केसेस है ना द रोड यूजर्स बींग स्ट्रेच यूनिक फीचर टाइमली मैनर में ये आपको पता होना लीड टू द क्रेसिस जो बहुत जल्दबाजी करते हैं है ना वो वो चीज़ को जैसे दुर्घटना से भली देर देर हो जाए चलेगा लेकिन दुर्घटना नहीं होनी चाहिए हमारा नारा है कि दुर्घटना नहीं होनी चाहिए क्लियर हुआ तो पूरा ये आर्टिकल है एक नया परस्पेक्टिव देखिए एक ही दो पॉइंट मिलते हैं लेकिन वो एक दो पॉइंट इतना इम्पेक्टेड होते हैं कि आपके आंसर राइटिंग की क्वालिटी एकदम से यहाँ से एकदम टॉप लेवल में पहुंचा देगी यार इसको इतना अच्छा पॉइंट लिख दिया वहीं से एग्जामिनर खुश हो जाएगा और आपको हर क्वेश्चन में फिर नंबर इजिली अच्छे से मिल सकते हैं शुड देयर बी अ पैनल टू अपॉइंट इलेक्शन कमीशन क्या यहाँ पे कोई पैनल है जो इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करता हो ये ऐसा बात की जा रही है अभी क्या होता है गवर्नमेंट सीधी चीज़ें चुपचाप अपॉइंट कर देती है कुछ बताती नहीं कि भाई क्यों अपॉइंट कर रही है क्या रीजन है कैसा क्या है है ना तो ये बहुत बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है इसको मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ आप सभी लोगों के साथ आई होप आप लोगों को चीज़ें पता होंगी कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेता हैं इस आर्टिकल को जरूर जाके जरूर से पढ़ना है आपको और लक्ष्मीकांत में से इलेक्शन कमीशन वाला चैप्टर भी आपको रीड करना है अगर आप कर लेते हैं जैसी रीड करते हैं तो आइए वीडियो को फिर से देखिए और फिर क्या करना है उसे थम्सअप करना है नीचे कमेंट सेक्शन में और लिखना है डन है ना डन लिखना है और थम्सअप करना है कोलिजियम सिस्टम की इन्होंने बात करी इन्होंने बोला कि अगर जो इलेक्शन कमीशन को सिलेक्शन एक कमेटी बनेगी तो उसमें कौन कौन रखेंगे लीडर ऑफ अपोजिशन को रखिए है ना ऑफ लोकसभा लोक को लोकसभा के लीडर ऑफ ऑपोजिशन को रखिए दूसरा किसको रखिए प्राइम मिनिस्टर को रखिए और तीसरा सी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रख सकते हैं तो तीन लोगों को जब बनेगा तो कॉन्फिडेंस जो है डेमोक्रेसी का तेज़ी से बढ़ेगा और कोई भी गवर्नमेंट क्या होता है बॉडी को रेगुलेट करना चाहती है ज़्यादा ज़्यादा पावर अपने हाथ में रखना चाहती है इसीलिए इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है और अगर ये चीज़ें होती हैं तो बहुत स्मूथली फंक्शन देखने को मिलेगा पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट की बात करता हूँ दूसरे इस पूरे आर्टिकल का मैं क्रैक्ट समझा रहा हूँ आपको दूसरे पॉइंट में क्या कहते हैं दूसरे पॉइंट में कहते हैं कि सिंपली uh, जो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए ये एक स्क्वायर है है ना अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि जो इलेक्शन कमीशन की क्राइटेरिया है टर्म 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 है वो कितना है सेवेंटी सपोज सिक्सटी फाइव ईयर है ना और आप बताइए कि जब सिक्सटी फाइव ईयर एज है उनकी और मैक्सिमम सिक्स ईयर तक रह सकते हैं इलेक्शनल इलेक्शन कमिश्नर ठीक चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब यहाँ पे क्या होता है अब यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है वो कितने साल में करते हैं सिक्सटी थ्री ईयर की एज हो गई किसी की उसको अपॉइंट कर देंगे तो बेचारा कितने साल के रहेगा दो साल तक के लिए इलेक्शन कमिश्नर बन के रहेगा आगे नहीं हो पाएगा तो है ना फिर इस इसके अंदर बताया गया इस आर्टिकल के अंदर कि जरूरी तो है नहीं कि एक आई ऑफिसर को ही अपॉइंट करे इलेक्शन कमिश्नर के रूप में किसी और को भी कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लॉ के अंदर ऐसा कुछ प्रावधान तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आई ऑफिसर ही हो सकते हैं कोई डॉक्टर हो सकता है कोई बिजनेस बिजनेसमैन तो नहीं हाँ कोई डॉक्टर हो सकता है कोई लॉयर हो सकता है जो न्यूट्रल वे में काम कर कोई जजेस हो सकते हैं ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ना तो ये आप जब पुट करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ इस, इसने क्या किया है होलिस्टिकली चीज़ों को कवर किया है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आई होप क्लियर हो रही होंगी आपको है ना कि वही सारी चीज़ यहां पे समझाई गई है चलिए हमने ये चीज़ भी देख ली और हाउ विल द ग्लोबल लेवल ऑफ इम्पैक्ट तो हमने लगभग लगभग सारी चीज़ें देख ली हैं जी ट्वेंटी की प्रेसिडेंसी की बात कर लेता हूँ कई बार डिस्कस कर चुका हूँ कि प्रेसिडेंसी अनपैलेड क्रिस्टर रिस्पॉन्सिफल ऑफ जयसंघ तो अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है तो वो जाकर पूरा देखिए डिटेल लेक्चर है है ना कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा तो वहाँ से आप उसे देख सकते हैं आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको हमने डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करी कैसा रहा आज का आर्टिकल आज की न्यूज़पेपर आज का डिस्कशन कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है और मैक्सिमम लोगों तक इसके बेनिफिट को पहुँचाना है चलिए तब तक के लिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन